MBBS प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में शॉर्ट नोट आता है 3 मार्क्स का मार्जोलिन अल्सर के ऊपर, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मिलती नहीं है बुक्स में, बहुत कम कंटेंट लिखा होता है। तो यहाँ पे फुल फ्लेज आंसर है कि आपको क्या लिखना है कि ये स्लो ग्रोइंग लोकली मेलिग्नेंट लेजन है, अ वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन एन अनस्टेबल स्कार ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या समझे कि एक स्कार है जो बहुत लंबे टाइम से है, वहाँ से धीरे धीरे करके मेलिग्नेंसी स्प्रेड हुई और क्या बन गया, कौन सा कैंसर, स्क्वामस सेल कैंसर। और जो उस अल्सर को क्या बोलते हैं, मार्जोलिन अल्सर इट इज़। अब इसके कॉज क्या हैं होने के, क्रॉनिक वीनस अल्सर स्कार, दूसरा कॉज है बर्न्स में होता है या फिर स्नेक बाइट का स्कार रह गया हो, और मतलब तीन, ठीक है, क्रॉनिक वीनस अल्सर स्कार, बर्न्स में या फिर प्रीवियस स्नेक बाइट का स्कार। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि एजेस में भी इवर्टेड और नॉट पेनलेस रहते हैं। ट्रीटमेंट में क्या आता है, वेज बायोप्सी, वाइड लोकल एक्सीजन एंड ग्राफ्टिंग एंड मोहोज सर्जरी। मोहोज सर्जरी क्या होती है, फर्स्ट सर्जन विल रिमूव अ लेयर ऑफ स्किन एंड इट विल लुक अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कोई भी कैंसर सेल्स ना बचें, और उसके बाद ग्राफ्टिंग कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।